और ये है अगेन बी क्यूट की प्रोडक्ट्स, ठीक है। और ये है हमारे पास लूज पाउडर है हमारे पास, क्योंकि आगे समर आ रहे हैं और आपको जो है इस तरह के लूज पाउडर्स की नीड होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा आपका ऑयली फेस होना शुरू हो जाता है। तो ये मेरे पास जो है वो लूज पाउडर लिया था मैंने बी क्यूट का, लेकिन फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट आप जो भी आप समझना चाहें इसको, कि मैंने जो है आई थिंक रॉन्ग शेड ले लिया है। मेरा कलर कोड जो है बेसिकली यहाँ पे इस वक्त ये है, ठीक है, और मेरे लिए थोड़ा सा डार्क शेड है, ठीक है। तो इससे मुझे एक शेड लाइट चाहिए। तो ये जो है वो हमारे पास लूज पाउडर है। बाकी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से आता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है वो जाली टाइप की आपके पास लगी हुई होती है ऑलरेडी, उसके साथ आपके पास ये आता है, उसके साथ पफ आता है, ठीक है। तो आप इजीली इसको यूज कर सकते हो और इस तरह से आपने इसको यूज करना होता है, कॉम्पैक्ट पाउडर, ठीक है। इस तरह से आप इजीली इसको लगा सकते हो। उसके अलावा बात करें तो इसको जो है यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान है, हैंडी सा है, तो आप अपनी जो भी मेकअप ट्रे है उसमें भी यूज कर सकते हो। वरना अदर देन दैट इसको आप इस तरह से निकाल के और फिर पफ की मदद से इसको इजीली यूज कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड्स कि आपने जो है वो से आपने कॉम्पैक्ट जो है इसको यूज कर लिया, तो बहुत ज्यादा इजी है और रीजनेबल प्राइस में है। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा जो है आपको पे नहीं करना पड़ता इसके लिए, क्योंकि अभी जो है वो आने वाली है समर्स और आपको इस चीज की बहुत ज्यादा नीड होने वाली है। तो इस तरह से ये जो है आपके पास लूज पाउडर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास बी क्यूट का है। बी क्यूट के जो है बहुत सारी प्रोडक्ट्स अच्छी भी होती हैं और ये जो है बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल और फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली है, ठीक है। आप इसको इजीली ले सकते हो क्योंकि आपके कैमरा जो है वो फोकस कर रहा हो, ठीक है। तो ये जो है शेड है और फॉर मी तो ये थोड़ा सा डार्क शेड है। अगर आपने ये वाला शेड लेना है या जो भी शेड लेना है तो मैं यही रेकमेंड करूंगी कि पर्सनली आप वहाँ पे जाके खुद से लें, ऑनलाइन बाय ना करें, क्योंकि ऑनलाइन जो है वो कलर डिफर कर जाता है समटाइम्स, और अब ये जो है मेरे लिए काम का नहीं है। हालांकि इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बहुत ज्यादा अच्छी है, ये आपको इजिली अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है विच इज इनफ, तो आपको ये अच्छे खासे टाइम चल सकता है। लेकिन मैं जो है इसका कलर चेंज करवाऊंगी तभी मैं इसको यूज कर सकूंगी। और ये जो है हमारे पास हो गया, ये जो है हमारे पास हो गया कॉम्पैक्ट पाउडर, लूज पाउडर, ठीक है। उसके अलावा सेकेंडली अब ये मेरा जो है वो फेवरेट चीज है बी क्यूट की, सबसे अगर फेवरेट चीज मुझसे पूछी जाए तो वो जो है ये लिप ग्लॉस है। उसका शेड कोड अगर मैं बताऊं तो ये है 915, यानी कि 915 जो है वो कोड है इसका। अगर आपने लेना है तो ये आप ले सकते हैं। और ये ऑलरेडी मैं खत्म कर चुकी हूँ क्योंकि ये समर के लिए तो बेस्ट है, तो मैंने ये लास्ट समर बाय किया था और अब दोबारा समर ला रहे हैं तो मैं इसको बाय करूंगी। और ये शेड है पीच सा, ये शेड है और बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और ये सूखने के बाद थोड़ा सा जो है वो मैट हो जाएगा। तो ये जो है वो इस तरह का स्वाच है, ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसको यहाँ पे आपके लिए अप्लाई किया है। तो ये जो है वो रीबाय प्रोडक्ट है और इसको मैं दोबारा से बाय करूंगी। और इसका ये शेड है तो ये परफेक्ट है समर के लिए, अगर आपको मैट लिपस्टिक्स चाहिए तो। तो ये दोनों चीजें जो है वो बी क्यूट की थी जो कि मुझे ऑलरेडी बहुत ज्यादा पसंद आई है। और ये जो है वो वाटर प्रूफ भी है, यू कैन सी दिस, यहाँ पे वाटर प्रूफ भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा शेड है और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है कि आपको सोचे बगैर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।